I've seen An Insignificant Man countless times. The filmmakers, Khushbu and Vinay, have said in many interviews that it's a film not only about a political party or about a person, but it's a film that tackles questions of democracy through its subjects. Now, there is one scene in the film that has stuck with me all through this time and also represents this point quite well. Basically, जो हम लोग transparency की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे character में भी दिखनी चाहिए, हमारे क्या party में भी दिखनी चाहिए, तो 175 लोग जो decision लें, वो सर्वमान्य होना चाहिए, उस candidate से भी. वो लोग जिस कैंडिडेट को डिसाइड करें वो कैंडिडेट फाइनल होना चाहिए. जिस कैंडिडेट को डिसाइड करें वो कैंडिडेट, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं एक मिनट, सो मान लो वो कैंडिडेट मुझे पसंद ना हो, तो मेरे पास ये फ्रीडम होना चाहिए ना कि मैं कैंपेनिंग के लिए आऊं या ना आऊं. और आपने जो हर जगह पर बोला कि कार्यकर्ता ही सब करेंगे, तो मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, कार्यकर्ता सब करेंगे, चूज करेंगे ना, ये आम आदमी चूज करेगा, हम सब मिलके, आप आम आदमी कुछ नहीं, आम आदमी मिलकर ना चूज करेगा. हमारे पास कहीं 30 वॉलंटियर है, कहीं 40 वॉलंटियर है, चार कैंडिडेट खड़े हो गए, किसी को मिल गए 8 वोट, किसी को मिल गए 10 वोट, किसी को मिल गए 12 वोट. अब कहते हैं जिसको 12 वोट मिले उसको टिकट दे दो, वो बहुत पॉपुलर हो गया. जिसको 12 वोट मिले वो बहुत पॉपुलर है, जिसको 10 वोट मिले वो पॉपुलर नहीं है, और ये फाइनल होना चाहिए. किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, क्या रिड्यूस कर दिया तुमने डेमोक्रेसी को? सर आपकी बात को मैं बोल रहा हूँ, जो आपने बोला है या पार्टी और विजन में है या स्वराज में है. स्वराज ये नहीं कि सारे बैठ के वोटिंग करेंगे और वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो स्वराज है. स्वराज है चर्चा, सारे सब सबकी चर्चा, मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत. तो फिर हमारा हक मारा जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका यही कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन आपका हक है ये. हाँ तो फिर हक है सर, तो फिर मिलना चाहिए. क्या ये आपका ये सारी चीजें आप अपने हक के लिए कर रहे हो कि आप के, मैं पूछना चाह रहा हूँ आप इस हक के लिए? अच्छा बहुत अच्छा, हमारा हक मिलना चाहिए ना. ओके, हमारा किस किस को लगता है कि आपका हक है? हम सब, हमारा हक है. टिकट मिलना राइट नहीं है. जिसको लगता है कि टिकट मिलना राइट है वो आज पार्टी छोड़ दे, और जिस जिसको लगता है वो टिकट दिलाने के लिए पार्टी में है वो आज पार्टी छोड़ दे. चार आदमी उस कैंडिडेट के हैं, चार आदमी उस कैंडिडेट के, चार आदमी उस कैंडिडेट के हैं. लॉबिंग चल रही है, जम के लॉबिंग चल रही है. अगर आप ना मानो तो गलत बोल रहे हो, जम के लॉबिंग चल रही है. सबके अपने अपने प्रिय कैंडिडेट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. टू मी दिस आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट्स अ वेरी चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ. सो ऑन वन हैंड देयर इज एन एस्पिरेशन टू डिसेंट्रलाइज ऑल डिसीजंस, सो दे आर नॉट मेड बाय सम किंग्स और लीडर्स सिटिंग इन आइवरी टावर्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, बट बाय द वेरी पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दीज डिसीजंस. दैट्स द रूल ऑफ द मेजॉरिटी. And that's really the best system we have at our disposal. On the other hand, there is a need to create a space for experts to take decisions because there are a huge number of challenges that take a lifetime of learning to solve. If there is a hospital, for example, where everybody takes a vote on what medication to give to patients, that hospital will collapse. There has to be an expert, a doctor, to decide what medication has to be delivered at what point. At the same time, let's take an example of a town where, say, slavery is still legal and the idea of abolishing slavery was put to vote. It's very certain that slaves, if in minority, would lose the vote to abolish slavery. So the challenge of democracy then is to integrate minority rights with expertise, with basic human rights into the rule of majority through constant consensus, dialogue and evolution. The film has played at 50 international film festivals in over 30-35 countries around the world. Every screening, people have reached out to the filmmakers with more or less the same reactions. This is happening in our country as well. This is exactly what is seen in our political parties. And these are people from Portugal, from Spain, Greece, Russia, Canada, the US. That for me is a very interesting conversation that the film represents. It's releasing on the 17th of November. We want the film to be an icebreaker to initiate conversations of this nature. So tell us in the comment section below what you think are the real challenges of our democracy and how can they be solved.